बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात बंद कमरे में हुई तो बिहार की सियासत तेज हो गई। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत हुई, किन मुद्दों को लेकर हुई? लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सब कुछ बता दिया है और बताया है कि जातीय जनगणना पर जो विवाद हो रहा है उस पर मुहर कब लगेगी, यानी बिहार में कब जातीय जनगणना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुद्ध पूर्णिमा को लेकर आज कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जातीय जनगणना सहित जो अन्य मुद्दे हैं उस पर सर्वदलीय बैठक जल्द बुलाई जाएगी और ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने जिक्र किया है जातीय जनगणना को लेकर। सवाल है, एक सवाल है, बता ही दिया गया, हम लोग बात करेंगे उसके लिए। सब बात तो कह दिया कि एक बार ऑल पार्टी मीटिंग कर लेंगे, इसको जो करना है राज्य में अपना, तो उसके लिए सब पार्टी की मीटिंग एक रोज बुलाएंगे और सब लोग बैठ करके सब अपना अपना सुझाव देंगे, तब उसको अंतिम तैयार करके कैबिनेट का अप्रूवल दे करके उसको शुरू कराएंगे। तो जो मिले थे तो उनको भी बता ही दिया था कि बीच में कई प्रकार की स्थिति थी, कोई बीच में चुनाव हो गया, क्या हो गया, तो मौका नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग जल्दी आपस में बातचीत करके एक दिन सबकी सहमति से एक दिन का डेट तय करेंगे और तय करके, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, हाल ही में करेंगे। और जब तय करके एक एक बात को और हम लोग अपने यहाँ जो कुछ भी इसके लिए जो किया जा सकेगा, कास्ट सेंसस जब किया जाएगा तो उसके लिए जो पूरी तैयारी लोगों को लगाना पड़ेगा हर जगह अधिकारियों को, और ठीक ढंग से इसकी गणना हो, गिनती हो, ये देखने के लिए, तो उसके लिए भी हम अंदरूनी तौर पर जो कुछ भी हो सकता है देख रहे हैं। लेकिन सब लोग आएंगे तो अपना सुझाव देंगे ना, तो सुझाव देंगे तो सब सुझाव को देख करके सरकार एक अंतिम उसके लिए नियम बना करके उस काम को आगे करे। ऐसी कोई संभावना है कि मंत्रिमंडल विस्तार बोल रहे हैं? ऐसी कोई संभावना है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर तो हो सकता है? होगा उस दिन आपको पता नहीं चलेगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।